हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल के एमसीक्यू, जिसकी दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन। तो आज हम पार्ट थर्ड जो है डिस्कस करेंगे, इसमें 61 to 85 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशली जो वीडियो जो स्टूडेंट्स ETT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो जिन फ्रेंड्स ने जो हमारी जो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो पिछली वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपका जो कम्प्लीट सिलेबस जो है आपका वो ज्योग्राफी का आप कम्प्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। तो 61 क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय की लंबाई डैश मीटर है, तो है जी 800 मीटर। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी है। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में डैश जलवायु मिलती है जी, सम जलवायु मिलती है। देश में 15 से 65 आयु वर्ग में डैश प्रतिशत जनसंख्या है, तो जी 58.41%। फर्नीचर, समुद्री जहाज तथा रेल डिब्बे बनाने के लिए डैश की लकड़ी सबसे अच्छी रहती है, तो वो आंसर है जी सागवान। भारत में पहला वन आरक्षित क्षेत्र डैश में बनाया गया, तो किस क्षेत्र में बनाया गया जी, नीलगिरी में बनाया गया, नीलगिरी में बनाया गया। आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनी मिट्टी डैश मिट्टी कहलाती है, तो ये जी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 68 है, पानी को ऊंचाई से घिराकर डैश उत्पन्न की जाती है जी, जल विद्युत बिजली, जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। संसार का सबसे लंबा बांध डैश बांध है हीराकुंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर से आ चुके हैं। संसार का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नदी घाटी परियोजना नेपाल के सहयोग से पूरी की गई, तो केड़ी योजना है जी, कोसी नदी योजना। डैश नहर संसार की सबसे लंबी नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश नहर संसार की सबसे लंबी नहर है, वो है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। 72 क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, दक्षिणी भारत में सिंचाई का साधन है जी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ तथा डैश भारत की दो कृषि प्रमुख ऋतुएं हैं, एक है खरीफ और एक है रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्य में सबसे अधिक पशुधन है, तो वो राज्य है जी उत्तर प्रदेश, राज्य में सबसे अधिक पशुधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में डैश का उत्पादन सबसे अधिक है जी, सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। डिगबोई तेल शोधक केंद्र डैश राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है असम। तांबा ताप का बहुत अच्छा डैश है, तांबा ताप का बहुत अच्छा सुचालक है। डैश निमन कोटि का कोयला है, लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोला भी बोलते हैं, लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है ये निमन कोटि का कोयला है, सबसे जो है लो किस्म का जो कोयला है। हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट में डैश प्रतिशत लो अंश होते हैं, लोह अंश होते हैं इसमें, तो कहां से कहां तक है, वो है 60 से 70%। मरुति उद्योग डैश में स्थित है, मरुति उद्योग डैश में स्थित है, तो ये है गुड़गांव में। जमशेदपुर में इस्पात का कारखाना 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया,
तो क्वेश्चन था कि डैश में इस्पात का कारखाना 1907 में स्थापित किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को भारत की राजधानी डैश इसमें बनाया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाया गया। देश में विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग डैश है, तो वो है जी लेह मनाली मार्ग, लेह मनाली मार्ग। देश में सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलें डैश रेलें हैं, देश में सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलें डैश हैं, शताब्दी। देश में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा डैश में बनाया गया, देश में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोच्चि में बनाया गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक जय हिंद, धन्यवाद।